नमस्कार, न्यूज़ क्लिक की डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। जीडीपी वृद्धि दर 0 से 23.9% नीचे लुढ़की। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ की सदस्य और छात्रा देवांगना कलिता को जमानत दी। उड़ीसा मध्य प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी, जान माल के साथ फसल भी बर्बाद। कोरोना कुल मामलों की संख्या 37 लाख के करीब पहुंची। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण अप्रैल से जून के दौरान चालू वित्त वर्ष की तिमाही में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 0 से 23.9% नीचे लुढ़क गया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी जीडीपी की तिमाही आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में यह दर 5.2% थी। लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियाँ पूरी तरह से बंद हो गई थी। मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर मई मध्य तक पूरे देश में पूर्णबंदी रही थी। इस मुद्दे पर आइए सुनते हैं परंजय गुहा ठाकुर तक। इसका अर्थव्यवस्था कितना खराब है ये सरकारी आंकड़ा हमें बता रहे हैं। ये जो तिमाही है अप्रैल मई और जून इस साल का, अगर आप तुलना करेंगे अप्रैल मई जून 2019 का, तो भारतवर्ष का जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद 23% के आसपास गिरा, यानी कि 22.8% कम हो गया। और अगर ये आप इस साल की जनवरी फरवरी मार्च इस तिमाही के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो ये गिरावट 24% के आसपास 23.9%। इतना बुरी हालत हम 40 साल में नहीं देखा। और भारतवर्ष का ये जो तिमाही का जो आंकड़ा, ये 96 साल से भारत सरकार दे रहे, आज तक इतना गिरावट हमने कभी नहीं देखा। और जो महत्वपूर्ण बात है कि ये गिरावट आया है लगभग 2 साल लगातार हर 8 तिमाही में ये गिरावट आ रहा है। और अगर आप देखेंगे ये उद्योग क्षेत्र, मकान बनाने का जो क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो जो व्यापार है, जो जो आपका जो होटल और ये सारे क्षेत्र में, जो जो हमारे कम्युनिकेशन क्षेत्र में सबसे ज्यादा गिरावट आया, कंस्ट्रक्शन में 50%, आपका उद्योग में लगभग 40%, आपका व्यापार हॉस्पिटैलिटी कम्युनिकेशंस में लगभग 47%। सिर्फ कृषि क्षेत्र में हमने देखा रबी फसल के लिए 3.4% उत्पादन बढ़ा। ये अगर भारतवर्ष का आंकड़ा बाकी विश्व के बड़े बड़े जो जो देश है इससे तुलना करेंगे, सबसे ज्यादा गिरावट है आए हैं भारत, यूके से ज्यादा, फ्रांस से ज्यादा, यूरोप से ज्यादा, जर्मनी, जापान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, हर देश से ज्यादा गिरावट आया है भारतवर्ष में। सिर्फ 3 देश में हम देख रहे हैं कि इतना गिरावट नहीं हुआ है, जैसे बड़ा मतलब गिरावट तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बड़ा, ये है 3 देश बड़े देश में, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन। इसका मैं समझता हूं सबसे प्रधान कारण यह है, जिस हड़बड़ी में भारतवर्ष का सरकार, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी का सरकार ने 24 मार्च रात के समय अचानक एक लॉकडाउन शुरू कर दिया। उस समय भारतवर्ष में सिर्फ लगभग 500 कोविड के मरीज थे, आज वो बढ़ के 36 लाख से ऊपर आ गया, 64,000 लोगों का मौत हो गया। इसमें भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी है। तो हमें जो कहना है, और ये मैं अकेला नहीं, बहुत सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा गिरावट हो सकता है, कि जो सरकार अभी भी आंकड़ा दिखा रहे, स्थिति इससे भी खराब हो सकते हैं। क्यों? कि हमारे जिस में जो असंगठित क्षेत्र है, जो इनफॉर्मल या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पे 90% से ज्यादा लोग नौकरी करते हैं, भारतवर्ष के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा इस क्षेत्र से आया, इसका आंकड़ा
कुछ साल लगता है, एक समीक्षा होता है, एक सर्वेक्षण होता है, उसके बाद पता चलेगा। और सरकार खर्च कर रहा है मगर बाकी जो परिवार जितना उनका खर्च करना चाहिए खर्च तो नहीं हो रहा है, उसका गिरावट। जो अंग्रेजी में कहते हैं प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, ये 27% गिर गया ये तिमाही में, अप्रैल में जून का तिमाही में। और ये भारतवर्ष के जीडीपी का 56% के आसपास है। सरकार खर्चा बढ़ाया 18%, मगर सरकार का ये जो पूरा जो हमारे जो ये अर्थव्यवस्था में है इसमें सिर्फ 18% सरकार। तो सरकारी खर्चा 24% बढ़ा मगर 18% जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा है। तो सरकार बार बार बोल रहे कि हमें लोगों को पैसा देना चाहिए मगर सिर्फ लोगों के पास पैसा नहीं है। और सरकार जितने सारे कार्यक्रम घोषणा किया लोगों का जेब में पैसा नहीं आ रहा है। सरकार कह रहे हम जनधन खाता में कुछ पैसा डाल रहे मगर जितना पैसा डालना चाहिए था नहीं आ रहा है। मांग कम हो गया, निवेश बंद हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI कहा था कि ये 23% बढ़ गया था अप्रैल में, यानी कि हर 4 व्यक्ति में एक व्यक्ति बेरोजगार थे। हाँ वो जून महीना में कम हो गया, 11% हो गया। अगस्त जब खत्म हुआ ये 8.5%, 8.3% है। मगर आज भी जो समस्या है, अभी भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर अभी भी गांव में है, अभी भी घर में है, भारतवर्ष में शहर में वापस नहीं आए। तो आज भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था इतना खराब है, यह सरकारी आंकड़ा बता रहे थे। कुछ महीना तक सरकारी जो अर्थशास्त्री थे बोले नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, इतना बुरा हालत नहीं है, इस साल हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ उन्नति होगा। नहीं, आज सरकार का अपना जो आंकड़ा है ये कह रहा है कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में महिला संगठन पिंजरा तोड़ की सदस्य देवांगना कलिता को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने JNU की छात्रा देवांगना कलिता को 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने उन्हें गवाहों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने और सबूत के साथ छेड़छाड़ न करने का निर्देश भी दिया है। उड़ीसा सरकार के स्वतंत्र राहत आयुक्त प्रदीप कुमार जेना ने रविवार 30 अगस्त की शाम मीडिया से ये बात कही। उन्होंने कहा, जानकारी साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य भी शुरू हो गए हैं। 254 नावों को इस काम में लगाया गया है। NDRF की 14, SDRF की 17 और अग्निशमन विभाग की 22 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। यह सभी बचाव कार्य उड़ीसा जो भारी बाढ़ का सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए लगे हुए हैं। बता दें कि देश में एक और कोरोना का संकट दिनों दिन घराता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में हुई तेज बारिश के कारण उड़ीसा के कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 12 जिलों के 400 से ज़्यादा गाँव में बाढ़ की तबाही मचाने की खबर है। बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। जान माल का भारी नुकसान तो हुआ ही है, पर कुछ जगहों पर लोगों के पास पानी पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए अनाज तक की दिक्कत हो गई है। खेतों में फसलें बाढ़ के चलते तहस नहस पड़ी हैं, तो वहीं सड़क और यातायात के भी कुछ इलाकों में ठप होने की बात सामने आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज मंगलवार 1 सितंबर सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 69,921 नए मामले सामने आए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 819 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच कोरोना से पीड़ित 65,081 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में अब कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 36,91,166 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट 76.93% हो गया है, यानी कुल संक्रमित मरीजों में से 38,39,839 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है, लेकिन संक्रमण के कारण अभी तक 65,288 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर
85,996 हो गई। ICMR द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 4,33,24,834 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 10,16,920 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में ही हुई। न्यूज़क्लिक के डेली राउंडअप में बस इतना ही। इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज़क्लिक की वेबसाइट पर। हमें फॉलो कीजिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। देखते रहिए न्यूज़क्लिक। धन्यवाद।